शकील साहब ने क्या खूब लिखा है कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाता हूं, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं। यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि बात कमल के फूल की है, बात कमल के फूल की सियासत की है और बात कमल के फूल की मध्य प्रदेश होता है सीटों। जो नेता ये कयास लगा रहे थे, जो ये उम्मीद पाले थे तो उनको टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ नेताओं के अरमान सदमे और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 39 सीटों में अगर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की हम बात करें तो दो जगह बगावत के सुर्खी। मैं ब्रह्मगढ़ से रुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। बंडा की धरती पर अब बगावत की चिंता है, हम देखने के लिए ऐसा ना हो ये टिकट भारतीय जनता पार्टी करे की हकी, क्योंकि बंडा विधानसभा लगभग दो भागों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बंडा और एक सागर से ये बगावत की चिंगारी हमें देखने को मिली। आगे ये चिंगारी क्या रंग लाती है ये तो वक्त रहते पता चलेगा, लेकिन सागर की धरती से भारतीय जनता पार्टी इस घोषित प्रत्याशी भाजपा के समर्थकों ने भाजपा के कार्यकर्ता नकार दिया। देखिए तस्वीर सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हमें कुछ विधि हम दाऊ साहब के जान दाऊ साहब हमारी ना बोल विधि कर हमारी निपटा दे दाऊ साहब निपटा जात के बंडा से ले आओ तो कौन की बात सुनो तुम उनकी क्या उनकी उनकी दाऊ की सुने। हाँ, भाजपा के केंद्रीय आला कमान ने मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेके 39 सीटों पर प्रत्याशियों की बीते दिन सूची जारी कर दी थी। उसके बाद ही बुंदेलखंड में हंगामा मच गया है। पहली हंगामा की तस्वीर छतरपुर से आई, उसके बाद सागर की बंडा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी ओपन रेस्टोरेंट एसी नॉन एसी रूम पार्टी हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44 भामौरा सागर मध्य प्रदेश। यह बंडा विधानसभा के सागढ़ की तस्वीर है जहां भारतीय जनता पार्टी के घोषित हुए प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ भी जबरदस्त नारे लगाए गए हैं। बंडा विधानसभा के भाजपा नेता रणजोर सिंह बुंदेला के यह कार्यकर्ता समर्थक माने जाते हैं। इनका कहना है कि भाजपा ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो टीचर है, जिसे भाजपा की रीति नीति नहीं मालूम, ना ही उन्होंने कभी पार्टी की सेवा की है। बंडा सीट पर भाजपा के दावेदार और दमदार लीडर टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनमें एक नाम रणजोर सिंह बुंदेला का भी है, जिनके समर्थकों ने अब सागढ़ की धरती पर हंगामा बरपा दिया है। बंदे पकड़ दी, ऐसे प्रत्याशी को सामने ला के टिकट दिया है जैसे क्षेत्र में ना तो कोई पहचानता है ना वो क्षेत्र में कभी सक्रिय रहे हैं। ऐसी घटिया जातिवादी राजनीति को मैं बहुत खराब कहूँगा और भाजपा का मूल कारण यही पार्टी की जातिवाद को देखते हुए यही हाल का सामना करना पड़ेगा। अगर जो जनता के बीच में जाता है और पुनः विचार नहीं किया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हर हार का 100% और बहुत बुरी तरह से हार होगी भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है सायगढ़ में ना अभी कोई विधायक नहीं बना है और बंडा के विधायक कई बन चुके हैं और सायगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ है और हम ये आशा करते हैं कि सबको टिकट मिलेगा रणजोर सिंह बुंदेला जी। हर आदमी के सुख दुख में खड़े सारी चीजें और थोड़ी उन्हें तक की जनता तो जानते ही नहीं है। पहली बार तो सायगढ़ नाम, पहली बार तो नाम ही सुनो। एक सवाल और जातिवाद
जातिवाद पे नहीं, राजा साहब तो भाई दूधे आदमी नहीं है, पूरे में कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई तो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर काम में विषय मत रहते और जाके भी स्वयं काम करवाओ। बीरेन सिंह लोधी पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवराज सिंह लोधी के बेटे हैं और वो पेशे से शासकीय शिक्षक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना विश्वास जताया है। पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर, भाजपा नेता सुधीर यादव और रंजोर सिंह मुंदेला यहाँ के बड़े दावेदार थे और पार्टी के लिए मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन भाजपा आलाकमान ने उन्हें टिकट नहीं दिया और बीरेन सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद कार्यकर्ताओं में यह गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी ने अब चूंकि प्रत्याशी तय कर दिया तो अब तो ये विकट परिस्थिति पैदा हो गई कि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, जनता के बीच जाऊंगा, जनता और हमारे समर्थक जो भी मुझे सुझाव देंगे मैं आगे का कदम कुछ ही समय बाद बता दूंगा कि क्या करने जा रहा हूँ। अब आगे का निर्णय तो जनता पर तय है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, जनता ही सर्वमान्य होती है। पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, यदि जनता ने जिसको भी स्वीकार करेगी जनता, तो जनता का निर्णय होगा। बंडा विधानसभा के मानो दो धड़ हो गए हैं, एक भाग यादव बाहुल लीला का साहेगढ़ है और दूसरा बंडा है। ऐसे में आने वाले वक्त में अगर नाराज नेताओं को नहीं मनाया गया तो भाजपा को मुश्किलें हो सकती हैं। तरवर सिंह लोधी के खिलाफ भाजपा के पास कुछ ज्यादा है नहीं, विधायक तरवर सिंह का चेहरा भी साफ सुथरा है, लिहाजा भाजपा को यहाँ बेहद मेहनत करनी होगी, तभी यहाँ भाजपा सफल हो सकती है। अगर रूठे नेता रूठे रहे तो फिर भाजपा यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकती, यह यहाँ के सियासी सूत्र बता रहे हैं। अब देखना है कि पार्टी ने जो दाव खेला है उसको लेके वो आगे क्या क्या करती है। फिलहाल सायगढ़ की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। तालिब खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सायगढ़। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।